हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है किडनी का। ठीक है, यह हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमारे शरीर में किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए, 1 2, ठीक है ना। 1 नंबर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे शरीर में कितनी किडनी पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती हैं, आप लिखोगे 2 1 2, ठीक है। किडनी का आकार राजमे के जैसा होता है। किडनी का आकार किसके जैसा होता है? राजमे के जैसा होता है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि किडनी का शेप यानी कि किडनी का आकार किसकी तरह होता है। तो आप क्या लिखोगे? राजमे के बीच की तरह, ठीक है ना। राजमे के बीच की तरह हमारी किडनी का आकार होता है। किडनी का क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है गुर्दे का आकार कैसा होता है। किडनी को कभी कभी गुर्दा भी गुर्दा करके पूछ लेते हैं। गुर्दा मीन्स गुर्दा है उर्दू शब्द, ठीक है ना। तो कहीं पे गुर्दा लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि गुर्दा क्या है। गुर्दा मीन्स भी क्या होता है? किडनी होता है। और व्रक, व्रक मीन्स भी क्या होता है? किडनी ही आपका होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है किडनी, किडनी मीन्स होता है व्रक। यहाँ पर आप क्या कहते हो, गुर्दा भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए, जो दाएं किडनी होती है ना, ये थोड़ी आकार में छोटी होती है और थोड़ा नीचे की ओर होती है, ठीक है। ये क्यों होती है थोड़ा नीचे की ओर? क्योंकि इसके ऊपर होता है लीवर, ठीक है। तो लीवर के दबाव से थोड़ा नीचे की ओर होती है। अब किडनी से 2 नसें निकलती हैं। देखिए, किडनी से क्या है, ये 2 नसें निकलनी हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हम यूरेटर कहते हैं, यानी कि मूत्रवाहिनी। आपसे नामांकित चित्र पूछेगा तो आप नामांकित चित्र, यानी कि नामांकित का मतलब होता है नाम भी लिखना, ठीक है। वाहिनियों के नीचे ही होता है आपका यूरिन ब्लैंडर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। इसमें मूत्र यानी कि यूरिन टॉयलेट इकट्ठा होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ही नहीं कि हाँ यूरिन ऐसी बाहर नहीं निकल जाता है। पहले क्या है, वो किडनी के ये नसों द्वारा क्या कहाँ पे आता है? ये यूरिन ब्लैंडर में आता है। इसमें ये जो ब्लैंडर होता है, इसमें कम से कम 0.5 लीटर यूरिन एकत्र होता है, ठीक है। यह 0.5 लीटर तक यूरिन इकट्ठा कर सकता है। और ब्लैंडर के जस्ट नीचे होता है यूरिथ्रा, या इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। यहाँ पे तो इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ ये जो यहाँ दिख रहा है आपको यूरिथ्रा, यहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए, ये तो हमने किडनी का पूरा डायग्राम समझ लिया। अब हम किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ठीक है, और ये जो ब्राउन है, ये ब्राउन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये बाहरी वाला आवरण है जो, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर की है, ये अंदर वाले को क्या कहते हैं? हम मेड्यूला कहते हैं। ये मेड्यूला भाग हो गया आपका, और ये कॉर्टेक्स भाग हो गया ब्राउन वाला, ओके। और ये जो प्रवेश द्वार है ना, ये प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं हम? रीनल हीलियम कहते हैं। इस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं हम? रीनल हीलियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया एकत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमोनिया एकत्र होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको पेपर में किस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे किडनी यानी कि व्रक गुर्दा, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? किडनी ही है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। देखिए, ब्लड को छानता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को छानता है। वो खाली छानता है, शुद्धिकरण नहीं करता है, ठीक है ना। शुद्धिकरण ब्लड का कौन करता है? फेफड़े करते हैं। और जब उसमें, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ब्लड क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है छानने का, खाली किडनी क्या है? यूरिन में से यानी कि ब्लड में से क्या करती है? खाली गंदगी को बाहर निकालती है। क्या? ब्लड में से खाली गंदगी को बाहर निकालती है। शुद्धिकरण का काम कौन करता है? फेफड़े करते हैं। यूरिन का निर्माण करता है, यूरिन यानी कि टॉयलेट का, ठीक है, जिसे पेशाब कहते हैं, उसका निर्माण करता है। और एसिड और बेस का पीएच मान नियंत्रित करता है, ठीक है। एसिड हमारा कितना होता है? 7% होता है। अब बेस 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको ये कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। दूसरा है जहर को नियंत्रित करता है। जहर को नियंत्रित यानी कि ये जो हमारी किडनी है ना, ये जो किडनी है ना, ये थोड़े बहुत जहर को क्या कर देती है?
मार देती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे कि इंसान शराब पीता है, ठीक है ना, उससे ये नहीं कि किडनी ही खराब होगी, उससे पहले क्या होगा, लीवर खराब होगा, ठीक है। जैसे कोई इंसान जहर खा लेता है तो इंसान कहता है कि कैसे पता चला, तो किडनी से नहीं पता चलता है, ठीक है, कहते हैं किडनी खराब हो गई, दारू पीने से किडनी खराब हो गई, जहर खाने से किडनी खराब हो गई, तो पोस्टमार्टम में कैसे पता चलता है, लीवर से पता चलता है, ठीक है ना, और जो उसमें आमाशय होता है उन सब चीज़ों से पता चलता है कि इंसान को जहर खाया है या किस चीज़ से मरा है। किडनी तो बाद में खराब होती है, उससे पहले लेकिन लीवर खराब होता है। ये थोड़े बहुत जहर को तो ख़त्म कर देती है ऐसी, क्योंकि इसका काम ही क्या है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। विषाक्त यानी कि गंदे गंदे के पदार्थ, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, गंदे पदार्थों को बाहर निकालना, इसका काम यही है ना किडनी का हमारे। नेक्स्ट हमारा व्रकों की संख्या दो होती है। अभी मैंने ऊपर सबसे पहले यही समझाया था किडनी की संख्या कितनी होती है, दो होती है, राइट एंड लेफ्ट, यही बताया था ना अभी मैंने। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, किडनी यानी कि व्रक का भार कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बनता है, दो किडनियाँ होती हैं और ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड में हमारा ये बनता है, जो किडनी की झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम की बनी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, व्रक का बाहरी भाग क्या कहलाता है, हमारा कॉर्टेक्स कहलाता है, तो वही मैंने लिखा है। अब व्रक का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था किडनी की आंतरिक संरचना, तो उसमें तीन ही पार्ट थे, ठीक है। प्रवेश द्वार को क्या बताया था मैंने, रीनल हीलियम बताया था, ओके, जहाँ से अंदर की ओर जाता है यूरिन, ठीक है। और इकाई क्या है, यानी कि यूनिट, यूनिट में होता है, इकाई में होता है, किसी पदार्थ में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसी को हम इकाई कहते हैं, यानी कि वो किस चीज़ से बना है। जैसे कि मान लो कोई मिठाई है, मान लो मोतीचूर के जो लड्डू हैं, ठीक है ना, तो मोतीचूर के लड्डू में घी भी मिला है, चीनी भी मिला है, और वो जो मोतीचूर की क्या होती है, बूंदी होती है, वो भी मिला है, ठीक है। तो उसमें किससे, आखिर वो बना किससे, मोतीचूर की जो बूंदी है उससे बना है ना, तो उसमें यूनिट क्या है, उसकी बूंदी है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इकाई, यूनिट। तो आपका एक नंबर का ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्रक की यूनिट क्या है, व्रक की इकाई क्या है, तो आप क्या लिखोगे, नेफ्रॉन, ठीक है। कोई कोई बच्चा न्यूरॉन समझता है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन तो हमारे ब्रेन की होती है, ठीक है ना। तो व्रक की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, और एक नेफ्रॉन में कितने होते हैं, 800,000 होते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन कितने होते हैं, 800,000 होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किडनी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चार नंबर का ये क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी चार नंबर का ही बनता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो आप इस तरीके से लिखिए, फुल मार्क्स लेके आइए। आई होप आपको अच्छी लगी हुई होगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। 9 से लेकर क्लास 12th के मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सब वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।